हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आपका दोस्त जितेंद्र ओझा आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन फ्रॉडिंग करते हैं उसके बारे में कुछ टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपके साथ। ये मेरे साथ हो चुका है, इसके लिए आपके साथ हम भी सोचे आप लोग भी सावधान हो जाइए, ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन फ्रॉड से आप लोग भी बचिए और बेरोजगारी की वजह से कहीं भी जाके अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए और किसी को मत दीजिए। वो लोग केवल फ्रॉड करता है, ऑफलाइन कोई जॉब नहीं देता है, ऑनलाइन कोई जॉब नहीं देता है। अगर जॉब होता है तो क्या तो आप कॉलेज से ही आपको जॉब प्रोवाइड होता है, नहीं तो आप कहीं दूसरे के मार्फत गए कंपनी में तो ऐसे जॉब प्रोवाइड होता है। ऑफलाइन ऑनलाइन वो कंपनी के माध्यम से ही हो पाता है, क्योंकि कंपनी में आप ज्वाइन कर लिए हैं तो कोविड की वजह से ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसे जॉब होता है। अभी डायरेक्ट कोई फेसबुक में व्हाट्सएप पे मैसेज डालता है कि भाई आपको ऑनलाइन जॉब करना है तो ये लिंक पे क्लिक करो, ऐसा। तो इससे आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। बच ऑफिस से कॉल आया कि भाई आप एक दिन पटना आओ, तो हम भी अपना टाइम देके उस हिसाब से एक दिन पटना चले गए। पटना जब और बोला लो कि पटना आने से पहले आप पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा पटना, वहाँ पे आपको देखिए ये है वो कंपनी जो हमको जॉब प्रोवाइड कर रही थी ऑफलाइन और ऑनलाइन, वो भी हमारे जिला के अंदर। तो हम भी खुश थे कि चलो भाई हमको ये कंपनी जॉब प्रोवाइड करा रही है तो अपने ज़िला में ही जॉब करेंगे और फैमिली के साथ भी रहेंगे। तो हम जॉब के लालच में वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद वो बोल रहा है कि नहीं, आपको पैसा ऑलमोस्ट 1500 रुपये पेड करिएगा, उसके बाद ही आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो हम किसी तरह उसको बोले कि नहीं भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं आपको पैसा भी देने के मूड में है। तो वो बोला किसी तरह वो लोग जोर जबरदस्ती करने लगे और हमसे 270 रुपया हमसे वो लोग ले लिए। बोले नहीं, तुम्हारे नाम से GST का बिल कट गया, तुमको 270 रुपया देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हम बोले ठीक है, उसके बाद 270 रुपया उसको दे के और आ गए। उसके नेक्स्ट दिन बाद से कॉल आने लगा कि आप ज्वाइनिंग कब कर रहे हो, 1230 रुपया कब दे रहे हो, जब 1230 रुपये जब तक आप नहीं दोगे आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, ऐसा करके। हम बोले हमको ज्वाइन नहीं करना है भैया, गलती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो हम फ्रॉडिंग के शिकार हुए हैं आप लोग भी शिकार होइए। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग भी फ्रॉड से बचे रहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन के जॉब से बचे रहिए और सतर्क रहिए। हो सकता है आपका भी कभी ना कभी किसी माध्यम से आपको पैसा देना भरना पड़ जाए। ज़्यादा आदमी के पास जाएगा तो वो लोग फ्रॉड से बचेंगे, तो इसके लिए आपको